मैनेजर, इनको बुला दिए, गणेश सिंह अभी तो थे। श्री गणेश सिंह जी, प्लीज बैठिए। तो कल गणेश सिंह जी तो थे अभी। आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक पर विचार रखने का जो अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को देश के सामने 5 प्रण की बात की थी, और उन 5 प्रणों में गुलामी की सभी निशानदेही को समाप्त करना, आज के तीनों विधेयक एक प्रकार से मोदी जी के इस एक प्रण के अनुपालन का सबसे बड़ा उदाहरण है। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए, अंग्रेजी संसद द्वारा पारित किए गए इंडियन पीनल कोड 1860, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898, 1973 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 कानूनों को समाप्त कर आज हमारे माननीय गृहमंत्री जी ने जो 3 कानून यहाँ पर विचार के लिए रखे हैं, मैं उनका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इंडियन पीनल कोड 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 स्थापित होगा। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 स्थापित किया जाएगा। माननीय सभापति महोदय, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में ये जो अंग्रेजों की गुलामी का सबसे बड़ा उदाहरण था, जिन्होंने लिखा था पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम प्रोविंशियल एक्ट नोटिफिकेशन बाय द क्राउन रिप्रेजेंटेटिव लंदन गजट एनी डोमिनियम कॉलोनी और पजेशन ऑफ द हिज मजेस्टी जूरी लाहौर यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड कॉमनवेल्थ हर मजेस्टी और बाई प्रिवी काउंसिल हर मजिस्ट्री गवर्नर गवर्नमेंट कॉपीज और एक्सटेक्सेट कंटेन इन द लंदन गजट आर पॉपडंग टू बी प्रिंटेड बाई द किंग्स पीटर पजेशन और द ब्रिटिश क्राउन। ये तमाम जो चीज़ें उन्होंने लिखी थी, ये हमारी गुलामी की जो दास्तान थी उससे मुक्ति दिलाने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ऐतिहासिक कदम उठाया है, उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। ये समाप्त होने वाले तीनों कानून अंग्रेजी शासन को मजबूत करने और उसकी रक्षा करने के लिए बनाए गए थे, और इनका उद्देश्य दंड देने का नहीं बल्कि न्याय देने का नहीं था, दंड देने का न्याय था इनका। माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच का मैं अभिनंदन करता हूं। 3 नए कानून की आत्मा होगी भारतीय नागरिकों को संविधान द्वारा दिए गए सभी अधिकारों की रक्षा करना, इनका उद्देश्य दंड देना नहीं बल्कि न्याय देना होगा। हमारे इन कानूनों में संशोधन की लंबे समय से प्रतीक्षा की जा रही थी, और इसके लिए सिफारिशें समय समय पर भारत के विधि आयोग, बेज बरुआ समित, विश्वनाथन समित, मलिमत समित, माधव मेनन समित और गृह मंत्रालय गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति जैसे निकायों ने कई बार अपनी सिफारिशें दी, लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने उसको ठंडे बस्ते में डाल के रखा हुआ था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में कहा था, अंग्रेजों के समय के बनाए गए जितने भी कानून जिस विभाग में भी हैं उन पर पर्याप्त चर्चा और विचार कर आज के समय के अनुरूप और भारतीय समाज के हित में बनाना चाहिए। 18 राज्यों, 6 संघ शासित प्रदेशों, सुप्रीम कोर्ट, 16 हाई कोर्ट, 5 न्यायिक अकादमी, 22 विधि विश्वविद्यालय, 142 सांसद और लगभग 270 विधायकों ने इस कानून के बारे में अपने विचार भेजे थे। माननीय गृहमंत्री जी ने इस नए विधेयक को 4 साल लगातार विचार के लिए रखा था, फिर इस बात स्वयं 158 बैठकों में स्वयं वो उपस्थित हुए, जो अब तक के इतिहास का सबसे अद्भुत ये प्रमाण है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो CRPC को रिप्लेस करेगी में अब तक 533 धाराएं रहेंगी, 160 धाराओं को बदल दिया गया है, 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 9 धाराओं को निरस्त किया गया है। भारतीय न्याय संहिता जो IPC को रिप्लेस करेगी, इसमें पहले 511 धाराओं के स्थान पर अब 356 धाराएं होंगी, 175 धाराओं में बदलाव किया गया है, 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 22 धाराओं को निरस्त किया गया है।
भारतीय साक्ष्य विधेयक जो एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करेगा, में पहले की 167 के स्थान पर अब 170 धाराएं होंगी। 23 धाराओं में बदलाव किया गया है, एक नई धारा जोड़ी गई है और 5 धाराएं निरस्त की गई। ये तीनों पुराने कानून गुलामी की निशानियों से भरे हुए थे। इन्हें ब्रिटेन की संसद ने पारित किया था। कुल 475 जगह गुलामी की इन निशानियों को समाप्त कर आज गृहमंत्री जी ने नया विधेयक संसद में प्रस्तुत किया है। कानून में दस्तावेजों की परिभाषा का विस्तार कर इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड्स, ईमेल, सर्वर लॉक्स, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप्स, एसएमएस, वेबसाइट, लोकेशनल साक्ष्य, डिवाइस पर उपलब्ध मेल मैसेजेस को कानूनी वैधता दी गई है। ये अपने आप में सचमुच अभी तक साक्ष्य में ये सब सारी चीज़ें नहीं जोड़ी जाती थीं। अब इससे कोई भी अपराधी बच नहीं सकता। एफआईआर के केस डायरी से चार्जशीट और चार्जशीट से जजमेंट तक की सारी प्रक्रिया को डिजिटलाइजेशन करने का प्रावधान इस कानून में किया गया है। सर्च और जब्ती के वक्त वीडियोग्राफी को कंपलसरी कर दिया गया है, जो केस का हिस्सा होगी और इससे निर्दोष नागरिकों को फंसाया नहीं जा सकेगा। पुलिस द्वारा ऐसी रिकॉर्डिंग के बिना कोई भी चार्जशीट वैध नहीं मानी जाएगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इससे दोष सिद्ध के प्रमाण को बढ़ाने में फॉरेंसिक साइंस को बढ़ावा दिया जा सकेगा। 3 साल बाद हर साल 33,000 फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट और साइंटिस्ट देश को मिलेंगे। कानून में लक्ष्य रखा गया है कि दोष सिद्ध के प्रमाण को 90% से ऊपर ले जाने का इसमें प्रावधान किया गया है। 7 वर्ष से अधिक सजा वाले अपराधों के क्राइम सीन पर फॉरेंसिक टीम की विजिट को कंपलसरी किया जा रहा है। इसके माध्यम से पुलिस के पास एक वैज्ञानिक साक्ष्य होगा, जिसके बाद कोर्ट में दोषियों के बरी होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। मोदी जी की सरकार नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आज़ादी के 75 सालों के बाद पहली बार 0 एफआईआर को शुरू करने जा रही है। अपराध कहीं भी हुआ हो उसे अपने थाना क्षेत्र के बाहर भी रजिस्टर्ड कराया जा सकता है। अभी तक इसमें कहीं कोई प्रावधान इस तरह का नहीं होता था। पहली बार EFIR का प्रावधान जोड़ा जा रहा है। हर जिले और पुलिस थाने में एक ऐसा पुलिस अधिकारी नामित किया जाएगा जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के परिवार को उसकी गिरफ्तारी के बारे में ऑनलाइन और व्यक्तिगत रूप से सूचना करेगा। ये साथ पहली बार हो रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं होता था। यौन हिंसा के मामले में पीड़ित का बयान कंपलसरी कर दिया गया है और यौन उत्पीड़न के मामले में बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग भी अब कंपलसरी कर दी गई है। पुलिस को 90 दिन में शिकायत का स्टेटस और उसके बाद हर 15 दिनों में फरियादी को स्टेटस देना आवश्यक हो गया। पीड़ित को सुने बिना कोई भी सरकार, अभी तक क्या होता था, जब अपने लोगों के ऊपर मुकदमा वापस लेना होता था तो बिना कोई आधार के मुकदमे वापस हो जाते थे, लेकिन अब इसमें नया प्रावधान किया गया, पीड़ित को सुने बिना कोई भी सरकार 7 वर्ष से अधिक के कारावास का केस वापस नहीं ले सकेगी। इससे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होगी। छोटे मामले में समरी ट्रायल का दायरा भी बढ़ा दिया गया। अब 3 साल तक की सजा वाले अपराध समरी ट्रायल में शामिल हो जाएंगे। इस अकेले प्रावधान से ही सेशन कोर्ट में 40% से अधिक केस समाप्त हो जाएंगे। आरोप पत्र दाखिल करने के लिए 90 दिनों की समय सीमा तय कर दी गई है और विशेष परिस्थितियों में इसे 90 दिन तक और बढ़ाया जा सकता है। 180 दिनों के अंदर जांच समाप्त कर ट्रायल के लिए भेज देना होगा। कोर्ट अब आरोपित व्यक्ति को आरोप तय करने का नोटिस 60 दिनों में देने के लिए बाध्य होगी। बहस पूरी होने के 30 दिनों के अंदर माननीय न्यायालयों को फैसला सुनाना होगा। इससे सालों तक पेंडिंग पड़े केस जल्दी समाप्त हो जाएंगे। सिविल सर्वेंट या पुलिस अधिकारी के विरुद्ध ट्रायल के लिए सरकार को 120 दिनों के अंदर अनुमति अगर प्राप्त नहीं होगी तो वो उनकी अनुमति मान ली जाएगी और उस पर मुकदमा कायम हो जाएगा। घोषित अपराधियों की संपत्ति की कुर्की का भी प्रावधान लेकर आए। अंतर्राज्यीय गिरोह संगठित अपराधों के विरुद्ध अलग प्रकार की कठोर सजा का नया प्रावधान भी इस कानून में जोड़ा गया है। सजा माफी को राजनीतिक फायदे के लिए उपयोग करने के कई मामले देखे जाते थे। अमृत्युदंड को आजीवन कारावास को कम से कम 7 साल की सजा और 7 साल के कारावास को कम से कम 3 साल तक की सजा में भी बदला जा सकेगा और किसी भी गुनाहगार को छोड़ा नहीं जाएगा। मोदी सरकार राजद्रोह को पूरी तरह समाप्त करने जा रही है, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है, सबको बोलने का पूरा अधिकार है। ये राजद्रोह का जो मुकदमा है पूरी तरह से समाप्त हो रहा है। पहले आतंकवाद की कोई व्याख्या नहीं थी, अब सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियां, अलगाववाद, भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देने जैसे अपराधों की पहली बार इस कानून में व्याख्या की गई।
अनुपस्थिति में ट्रायल के बारे में कहती है सख्त फैसला किया। सेशन कोर्ट के जज द्वारा भगोड़ा घोषित के व्यक्ति की अनुपस्थिति में ट्रायल होगा और उससे सजा भी सुनाई जाएगी, चाहे वो दुनिया में कहीं भी छुपा हुआ हो। इसे सजा के खिलाफ अपील करने के लिए भारतीय कानून और अदालत की शरण में आना ही होगा। कानून में कुल 313 बदलाव किए गए हैं और हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक अमूलचूल परिवर्तन लाएंगे और किसी को भी अधिकतम 3 वर्षों में न्याय मिल जाएगा। इस कानून में महिलाओं और बच्चों का विशेष ध्यान रखा गया है। अपराधियों को सजा मिले ये सुनिश्चित किया गया है और पुलिस अपने अधिकारों का दुरुपयोग न कर सके ऐसे प्रावधान भी किए गए हैं। मैं इस ऐतिहासिक बिल का समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्री राम कृपाल यादव जी।